आज जिस तरह की तेजी एक कमबैक सी दिख रही है आपको केमिकल स्टॉक्स में, चाहे आप आरती इंडस्ट्रीज के नंबर्स का एक हवाला दें या फिर आप दीपक नाइट्रेट की बात करें। इनफैक्ट चैनल चेक से जो अब तक देखा है काफी ज्यादा प्राइस भी हैमर्ड हो चुके हैं केमिकल स्टॉक्स के, प्राइस भी और ये जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो भी। लेकिन ये जो आज तेजी दिख रही है इसे आप किस तरह से व्यू करेंगी? अगर आरती इंडस्ट्रीज के नंबर एक बार क्या एक रब ऑफ इफेक्ट पूरे सेक्टर पर दिखेगा, इस स्पेस पर थोड़ा सा व्यू बनाना चाहिए, क्या व्यू बनेगा इस वक्त? इंडस्ट्रीज का जो हमने प्राइस राइज देखा है वो मुझे जो क्वार्टरली नंबर आए थे उसके साथ जुड़ सकते हैं। एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि एक समय था कि पूरी केमिकल स्पेस में हम एक रैली देख रहे थे, वो चाइना प्लस वन फैक्टर जो हम कह रहे थे, यू नो ड्यूरिंग दोस कोविड इयर्स 2020 के बाद जब लोग चाइना के अलावा और एक मैन्युफैक्चरर ढूंढ रहे थे, तो उस समय ऐसा था कि जिस किसी नाम में केमिकल बस अगर जुट जाए तो वो स्टॉक चल जाता। और ऑन द ग्राउंड भी अगर आप मैनेजमेंट से बात करते तो आपको ये एहसास होता कि उनके डेफिनेटली रेवेन्यू और सभी चीजों में बढ़त हुई है बिकॉज दे हैव बीन अप्रोच्ड बाय वेरियस बायर्स। लेकिन आई थिंक अब वो समय नहीं रहा, तो आपको थोड़ा स्पेसिफिक बनना पड़ेगा कि आप किस तरह की केमिकल की बात कर रहे हैं, उसका आउटलुक क्या है, और उस हिसाब से आपको स्टॉक में आपकी पोजिशनिंग करनी होगी। तो यस, आई थिंक डेफिनेटली आरती इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक में और भी अपसाइड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देयर कुड बी अ कपल ऑफ अदर नेम्स दैट कुड गेट एडेड टू दैट। एक और एक काफी बीटन डाउन नेम है यूनाइटेड फॉस्फोरस, उसकी तरफ भी देखा जा सकता है। आई थिंक टाटा केमिकल्स इज अनदर नेम दैट आई लाइक, तो उसे भी कंसिडर किया जा सकता है। तो वही आप ध्यान में रखें कि किस तरह का केमिकल है और क्या उसका। ठीक कह रहे हैं, यूपीएल की आप बात कर रही हैं, इनफैक्ट ये चला 630 तक गया लेकिन उसके बाद फिर वहाँ से अब ये जो गिरना शुरू हुआ वापस, और नंबर्स भी हमने देखे थे, थोड़ा सा ओवरसीज का एक हैंग तो रहता है, बट ठीक है इस स्पेस पर नज़र बनाकर इस वक्त रख सकते हैं। दीपक नाइट्रेट हो, SRF हो, आरती इंडस्ट्रीज़ हो, UPL जैसे स्टॉक्स हो, इनको ज़रूर आप नज़र पर रखें।